जय माता दी, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नागपंचमी 2023 के डेट और टाइम के बारे में। नागपंचमी कब है, इसका सही तारीख क्या है, 21 या 22 तारीख, शुभ मुहूर्त क्या है और धन लाभ के उपाय क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नागपंचमी 2023 में कब है। सावन मास के शुक्ल पक्ष को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों के पूजा का विधान है। नागपंचमी पर भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में मौजूद नागदेव की पूजा होती है। नागपंचमी पर पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल नागपंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। इस वर्ष सावन शुक्ल पंचमी तिथि 21 अगस्त 2023 को रात 12:21 से शुरू होगी और इसका समापन 22 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे होगा। ऐसे में नागपंचमी का त्यौहार 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में सदियों से नागों को पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यताएँ हैं कि नागपंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नागपंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद, महापद, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। तब चलिए जानते हैं नागपंचमी के पूजन विधि के बारे में। नागपंचमी के दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। एक थाली में हल्दी, रोली, चावल, फूल, दीपक और दूध रख लें। फिर मंदिर जाकर ये सभी चीज़ें नाग देवता को अर्पित करें। ध्यान रहे, नाग देवता को कच्चे दूध में घी, चीनी मिलाकर ही अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें और मन में नाग देवता का ध्यान करें। नागपंचमी की कथा वस्तु सुने। आखिर में नाग देवता से अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तब चलिए जानते हैं धन वृद्धि के उपाय के बारे में। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन में सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। नागपंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किसी विप्र को या किसी मंदिर में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। नागपंचमी की पूजा करने से धन धान में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर होता है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय माता दी।